Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम का चैनल। मेरे साथ में है मिलन सर और यहाँ फिरोज सर, और हमारे साथ में 5 सितंबर के स्टूडेंट के बैच। और यहाँ हम एक बार और बताना चाहते हैं, जैसे मिलन सर ने बताया कि वर्ल्ड फर्स्ट पहला एक ओप्पो A3s की ऑफलाइन फ्लैशिंग जो हम आपके सामने करने वाले हैं ऑफलाइन। बहुत सारे दोस्तों हमने खुद पर्सनली पूछे हैं लोगों से कि क्या होती है, सब लोगों ने मना कर दिया है और सब लोग कहते हैं नहीं, सिर्फ अनलॉकिंग कर सकते हैं, अनलॉकिंग बस ऑनली। लेकिन हम बताएंगे आपको जीटेक और EOFI से ऑफलाइन क्लासिंग किसी भी ओप्पो को सेट कर, और उसके साथ में एक खास, चाहे ओप्पो हो, वो चाहे रियलमी हो, वो चाहे MI के ऑनलाइन क्लासिंग हो, कुछ भी हो वाले हैं, क्योंकि अभी प्रोग्राम करके सामने ही लगाए हैं आपके, है ना, तो फेक वीडियो तो नहीं है ना। नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये फेक तो उनके लिए होगा जिनको कुछ मालूम ही नहीं होगा, नॉलेज कुछ नहीं है, होता है कि नहीं होता है, लोग बोलते हैं नहीं होता है, लेकिन हम करके दिखाते हैं। और आप बोलेंगे सर आपने करके नहीं दिखाया है, तो वो रीजन है कि फेक लोगों से बचाने के लिए, जो सही, जो सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं एक सही तरीके से, जो बिल्कुल पॉजिटिव लैंग्वेज में, ये नहीं कि एज अ बीन टीचर गाली गलौज करके। हाँ ठीक है, अब देख सकते हैं पूरा चालू हो चुका है। हम यहाँ पे चलो फर्क ये तो नहीं है, हम डायरेक्ट चलेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्लैशिंग की हमने, अनलॉकिंग नहीं की, अनलॉकिंग नहीं की है, कभी नहीं बनाया। और तुमने बिना सर्किट डायग्राम के पूरा सर्किट बनाया, उसका ट्रेस किया, सीरीज पैरेलल, क्योंकि उसमें किस किस चीज की नॉलेज होना जरूरी। 8 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप में ये महसूस करता था कि मैं बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन हूँ। लगभग 8 साल पहले एक दूसरे इंस्टीट्यूट में मैंने काम सीखा था हार्डवेयर का, पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। सर के पास यहाँ पर आया तो मैंने सर से 3 दिन में ही बहुत ही काफी कुछ सीखने को मिला था। मतलब अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइटी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने हमें सीखी यहाँ पर, मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो या कॉलकॉम का फ्लैशिंग हो या SPD का फ्लैशिंग हो, MI की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरे पास अब एक ओप्पो का है, 3S Sunset है, जिसमें प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको हम ऑफलाइन, जिसको ऑनलाइन फ्लैशिंग करने से सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम इसको ऑफलाइन फ्लैशिंग करेंगे, जिसमें हम MMC खोल के भी कर सकते हैं और ISP से कर सकते हैं। दोस्तों ISP से करेंगे ना तो बहुत टाइम लेगा, और IC खोल के करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमारे ये सारे 5 सितंबर के सब स्टूडेंट हैं, आप मिलना चाहते हो तो मिल सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम का चैनल। मेरे साथ में है मिलन सर और यहाँ फिरोज सर, और हमारे साथ में 5 सितंबर के स्टूडेंट के बैच। और यहाँ हम एक बार और बताना चाहते हैं, जैसे मिलन सर ने बताया कि वर्ल्ड फर्स्ट पहला एक ओप्पो A3s की ऑफलाइन फ्लैशिंग जो हम आपके सामने करने वाले हैं ऑफलाइन। बहुत सारे दोस्तों हमने खुद पर्सनली पूछे हैं लोगों से कि क्या होती है, सब लोगों ने मना कर दिया है, और सब लोग कहते हैं नहीं, सिर्फ अनलॉकिंग कर सकते हैं, अनलॉकिंग बस ऑनली। लेकिन हम बताएंगे आपको जीटेक और EOFI से ऑफलाइन क्लासिंग किसी भी ओप्पो को सेट कर, और उसके साथ में एक खास, चाहे ओप्पो हो, वो चाहे रियलमी हो, वो चाहे MI के ऑनलाइन क्लासिंग हो, कुछ भी हो, हम कर सकते हैं ऑफलाइन फ्लैशिंग। और ये हमारे कुछ खास है, जो हमारे स्टूडेंट है उनका हम आउटपुट देखते हैं, जो रियल आउटपुट है कि इनके 2 दिन नहीं हुए, 3 दिन नहीं हुए, इनका आज लास्ट डे है, आज ये हमारे फिरोज सर के बैच के स्टूडेंट है, और ये इन्होंने टीच किया है। तो अभी फिरोज सर आप इनसे एक एक पहले पूछ लीजिए क्या कर रहे हैं और इनका क्या आउटपुट है, इसके बाद हम ये चालू करते हैं उसके साथ। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ एक स्टूडेंट है जो कि नेपाल आसाम से है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अब्दुल करीम मुल्ला, मैं आसाम से हूँ। तो अब्दुल आपने एशिया टेलीकॉम क्यों चुना, मतलब यहाँ पे आकर आप कहीं और जा सकते थे? बहुत दिन से वीडियो देख रहा था कि, और बाकी सारे इंस्टीट्यूट में देखा था लेकिन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ के सिखाने का प्रैक्टिकल का जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने एशिया टेलीकॉम को चुन लिया। तो अब्दुल आज तुम जैसे रिव्यू दे रहे हो यहाँ पर, तो तुमको बुलवाया जा रहा है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे रिव्यू तो देख के तुम आए हो यहाँ पर स्टूडेंट के, तो क्या क्या काम किया तुमने यहाँ पर, फिरोज सर ने कैसा पढ़ाया थोड़ा बताएंगे? तो हम लोगों तो पहले, मैं तो 8 साल से सॉफ्टवेयर का काम कर रहा था, लेकिन वो प्रोग्रामिंग वगैरह जो EMCA खोलना लगाना ये कुछ भी नहीं आता था। अभी यहाँ आकर एक दिन में सब कुछ EMCA रिबोलिंग सीख गया, उसके बाद वो प्रोग्रामिंग कैसे करना है,
जैसे ये चीजें टैक्स और ईएफआई में कैसे दोनों चीजों को बहुत अच्छे बताया, चेंज किया, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको ये बताइए ऑनलाइन भी तो कर सकते थे ये कोर्स, फिर ऑनलाइन क्यों नहीं गया? नहीं ऑनलाइन कर सकते थे लेकिन मुझे ऑनलाइन करना नहीं था, मुझे प्रैक्टिकली करना था, इसलिए एशियन टेलीकॉम भी है क्योंकि एशियन टेलीकॉम में जो सिखाता है उसके बाद वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है। तो फिरोज सर का कैसा है आउटपुट आपके? बहुत अच्छा, फिरोज सर का भी बहुत अच्छा, मिलन सर का भी बहुत अच्छा, सब लोगों की बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो देखो कैसा आ रहा है लाइव। तो ये हमारे स्टूडेंट ही कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि हमने शुरू में वीडियो में देखा। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ ओप्पो की हैंडसेट है, ओप्पो A3s 1803, ओप्पो A3s का होता है। दोस्तों हम इसको सबसे पहले फॉर्मेट कर देते हैं, तो आपको जो भी थोड़ा नॉलेज है किसी के बारे में, इसके बारे में जीटेक और यूएफआई के बारे में थोड़ा भी किसी को नॉलेज है तो फॉर्मेट करने से क्या होता है क्या नहीं होता है उन लोगों को पता होगी, तो इसलिए हम फॉर्मेट करते हैं। बट हम फिर भी बता रहे हैं पूरा प्रोसेस नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे फॉर्मेट करने से पहले क्या करना है क्या नहीं बताएंगे, हाँ वीडियो में नहीं बताएंगे। तो वीडियो में अगर आपको पूरा नॉलेज लेना है तो आप यहाँ पे आके प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं, 10 दिन का ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब हम जो भी कर सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आईसी को फॉर्मेट कर चुके हैं, तो सॉफ्टवेयर पार्टीशन और फॉर्मल वर्जन कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम अब हम इसमें फाइल राइट करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे मैं वीडियो पोस्ट करना चाहूंगा। और तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ओप्पो A3s का फ्लैशिंग हम कर रहे हैं विदाउट ऑनलाइन विदाउट नेट, सिर्फ इजी जीटेक या यूएफआई दोनों की किसी भी मदद से हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ्लैशिंग चल रही है और 7.5 मिनट टाइम लेगा ये बोल रहा है हमें, ठीक है दोस्तों। हम इसमें अगर ऑनलाइन करते हैं उसमें बहुत क्या होता है कि पैसा भी लेते हैं 600-700 रुपए, 500 रुपए, कभी कभी 1000 रुपए भी मांग लेते हैं, है ना। लेकिन हमें अगर परफेक्टली पेस्टेड आईसी निकालना आएगा, अगर परफेक्टली हमें पेस्टेड आईसी निकालना आएगा तो कोई झंझट नहीं है, खोल के इस तरह से हम आईएसपी से भी हम कर सकते हैं, आईएसपी से कर सकते हैं। आईएसपी जैसे हमें यहाँ 12 मिनट टाइम लग रहा है, आईएसपी से 2-3 घंटा टाइम लगेगा, है ना। क्यों? रीजन हमें पता है आईएसपी से कितना पिन कनेक्टेड होता है और ये सॉकेट से कितना पिन कनेक्टेड होता है ये हमें मालूम होता है, तो इसलिए हमारे स्पीड का फर्क होता है, ठीक है। तो ये 6 मिनट बचा है और सिर्फ तो ये ऑफलाइन फ्लैशिंग वर्ल्ड फर्स्ट, ऑफलाइन फ्लैशिंग यहाँ पर ये फोन खोल के रखा है, इसका बोर्ड डीएमसी खोल के रखा है, ये देख सकते हैं आप ये बोर्ड और ये फोन, ये वाला फोन है, ठीक है। और इसके एमएमसी यहाँ पर लगा हुआ है, और एमएमसी इसमें लगा हुआ है जो फ्लैशिंग हो रही है, ठीक है। वो पावर आईसी जो रिवॉल्व किए थे तो था टेबल स्पीचर ले लो नीचे, साढ़े 4 मिनट बचा हुआ है, हम यहाँ पे स्पीड भी अच्छा मिल रहा है। क्या आपने जीटेक यूएफआई से कर रहे हो, किससे कर रहे हो? जीटेक कर रहे हो, तो इसमें कोई क्रेडिट से तो नहीं कर रहे ना? नहीं क्रेडिट पक्का, जीटेक में तो सर क्रेडिट होता ही नहीं है, इसलिए हम आपको जीटेक से दिखा रहे हैं। हम चाहते तो यूएफआई से दिखा सकते थे लेकिन आप बोलेंगे क्या सर इसमें तो क्रेडिट हो जाता है, हमारे साथ तो स्टूडेंट भी है वो खुद बोलेंगे अभी कोई क्रेडिट। अच्छा बताओ कि हम क्रेडिट से कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं? क्रेडिट नहीं, एमसी खोल के डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट, और ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं? ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं ना। तो अभी जितने भी ओप्पो के हैं अपन ऑफलाइन प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि क्या ओप्पो की ऑनलाइन का इतना पैसा चार्ज किया जा रहा है, 1000 वो भी सही मिलता भी नहीं आदमी। सर सिर्फ ओप्पो के नहीं है, एमआई का भी ये कर सकते हैं, जितने भी नए वाला फोन है वो ओप्पो एमआई सब कुछ कर सकते हैं ऑफलाइन फ्लैशिंग हम लोग। तो और उसके बाद एक और एक आएगा मुझे लगता है कि लोग बोलेंगे ऐसा आईसी कौन उठा देगा और ये सब कौन। तो मेरे भाई
अगर आईसी उतारने का नॉलेज होगा तो तुम्हारे लिए आईसी उतारना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आएगा ही नहीं आईसी उतारना तो फिर तो हुआ है, फिर वो तुम्हारे लिए यहाँ आके सीखना होगा सर। नहीं आता हो तो यहाँ मत आओ, कहीं भी जाओ, कहीं दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम आपको आखिरी के एक मिनट या आधे सेकंड में हम दिखा देंगे। एक बार दिखा दीजिए फिरोज, यहाँ पर देखिए फ्लैशिंग यहाँ पे चल रहा है। तो एक में हमारा स्मार्ट टेलीकॉम चैनल पे जो लाइव आ रहा है वो देख सकते हैं आप। अगर देखिए वो लाइव देख सकते हैं, स्मार्ट टेलीकॉम चैनल है यूट्यूब पे, नाम बताए स्मार्ट टेलीकॉम वन, स्मार्ट टेलीकॉम वन डालिए वहाँ पे, फिरोज सर का एक चैनल है, और इवन स्मार्ट टेलीकॉम भी डालिएगा, वो हमारे दुर्गेश सर का चैनल है, उस पर भी हमारा ये वीडियो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं अभी फ्लैशिंग कंप्लीट होने वाला है, तो और ये पुराने हमारे सारे स्टूडेंट फ्लैशिंग हो गया है, तो हम इसमें चेक लगाते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं ओप्पो का 1803 जो ए थ्री एस होता है, ठीक है, सीपीएच 1803। तो अब इस आईसी को रिबॉलिंग करके लगाएंगे। मिलन हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट है उन सबको ये सब अपडेट किया जाएगा जरूर, है ना, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें हम अपडेट देते रहे हैं और देते ही रहेंगे जब तक। तो ये और मैं मार रहा था तो दोस्तों यहाँ पे हम वापस आ गए हैं, तो हमारा सेट यहाँ पर हमने किया है ऑफलाइन ओप्पो का। हाँ बंद करिए सर, मत खोलिए, वो पूरा सेटअप करना होगा। सर को बुलाओ। हाँ सर का मोबाइल है। हाँ सर ले बुलाओ, सर को बुलाओ। और भी क्या हुआ तो दोस्तों जैसे आपने देखा यहाँ पर ओप्पो A3s यहाँ आपके सामने ऑनलाइन मिलन खड़े हो जाए यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हैं हम ओप्पो का A3s हमने ऑफलाइन क्लासिंग किए है, जो क्या हो रहा था थोड़ा सा पावर की क्या प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए हम यहाँ चेक कर नहीं पा रहे थे, तो हम खोल के पूरा ये देख सकते हैं हमने ईएमसी यहाँ पे दिखा आ जाओ, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने ईएमसी खोल के इसको प्रोग्रामिंग करके लगाया है। ठीक है, तो ये चालू हो रहा है, अभी बूटिंग हो रहा है, देखेंगे आगे। और इवन बहुत सारे मैं आपको बता रहा हूँ सेट ऐसे होते हैं जिसमें ISP पिनआउट नहीं मिल पाता, जैसे Realme 3 उसमें ISP पिन आउट नहीं है, डायरेक्ट है। तो कल मेरा एक स्टूडेंट पुराना स्टूडेंट है, उसके पास 3 पीस था Realme 3 का, तो उन्होंने क्या किया बिना डरे 3 पीस का आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक बार WhatsApp में दिखा दीजिए थोड़ा पास। तो 3 पीस क्या क्या उसने की MMC खोल के उसने, तो क्या होता है दोस्तों की WhatsApp में इतना मैसेज पड़ा हुआ है की हम ढूंढ नहीं सकते, ग्रुप में नहीं चल रहा है। एक सेकंड ये मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया कि देखो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मिल गया सर, ये सर एक सेकंड, 1% चार्ज है ना इसलिए, तो ये देख सकते हैं आप Realme 3 MMC जो लगा हुआ है, ये पासवर्ड लगा हुआ है MMC खोल के, अब देख सकते हैं MMC खोल के, मेरा दोस्त मेरा स्टूडेंट है पूरा स्टूडेंट, ब्लैक पेस्टेड हो कुछ भी पेस्टेड हो वो उसको डर नहीं लगता है कुछ भी, तो पेस्टेड आईसी खोल के UEFI से उसने काम किया है पूरा परफेक्ट तरीके से। तो यही हम बता रहे हैं कि अगर वो एक EMC को ओपन करके और वो हमारा ISP पिन आउट ना करके, चाहे कोई भी पेस्टेड हो वो खोल के अगर अनलॉक कर रहा है तो वो डेड में फ्लैश भी कर सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज तक भी आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट वीडियो में नहीं मिलेगा लाइक ओप्पो का A3s मोबाइल ऑफलाइन फ्लैशिंग विद हैंगर लोगो का पासवर्ड वो, और किए होंगे तो यूट्यूब में नहीं डाले, नहीं डाले यूट्यूब नहीं डाले, खैर उनको हम नहीं बोल सकते, उनको नॉलेज है, बहुत नॉलेज है क्योंकि बनाई उन्हीं ने, पर वो चीजों को वीडियो में डाले नहीं है वो एक अलग बात है, पर एज अ बीइंग इनसिक्योर कभी नहीं डाला।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओप्पो का A3s तो लाइव अटक गया था, एक्चुअली मोबाइल में चार्ज नहीं था तो इसलिए हमने लाइव में ऑफ हो गया था। तो आप देख सकते हैं ये मोबाइल है, ये ओप्पो का A3s वाला हमने जो फ्लैशिंग किए थे अभी जीटेक के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओप्पो का A3s मोबाइल जो हमें MMC खोल के लगा के चालू किया है। जैसा कि सारे स्टूडेंट यहाँ पर हम लाइव कर रहे हैं, है ना, कुछ फेक वीडियो तो नहीं बना रहे हैं। नहीं, यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक जो EMC कर चुके हैं, एक वो जो EMC करने वाले हैं। इवन वो भी है जो EMC करने वाले हैं, क्योंकि अभी प्रोग्राम करके सामने ही लगाए हैं आपके, है ना, कुछ फेक वीडियो तो नहीं है ना। नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये फेक तो उनके लिए होगा जिनको कुछ मालूम मालूम ही नहीं होगा, नॉलेज कुछ नहीं है, होता है कि नहीं होता है, लोग बोलते हैं नहीं होता है लेकिन हम करके दिखाते हैं। और आप बोलेंगे सर आपने करके नहीं दिखाया है, तो वो रीजन है कि फेक लोगों से बचाने के लिए, जो सही जो सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं एक सही तरीके से, जो मोटिव बिल्कुल पॉजिटिव लैंग्वेज में, ये नहीं कि एज अ बीन टीचर गाली गलौज करके। हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा चालू हो चुका है। क्या यहाँ पे, चलो फर्क ये तो नहीं है, हम डायरेक्ट चलेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्लैशिंग की हमने, अनलॉकिंग नहीं की, अनलॉकिंग नहीं की है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, इसको करते हैं इंडिया। ओप्पो में लूट रहे हैं लोग अभी ऑनलाइन का सर्वर के चक्कर में, यहाँ पे लोग, यहाँ पे ठीक है, इसको करते हैं स्पीक कंटिन्यू। With original security, दोस्तों with original security, ना आई में लॉस्ट होगा ना कुछ भी होगा। लोग बोलते हैं सर हम डेडवुड रिपेयर करते हैं उसके बाद क्या होता है कि आई में हमारा चला जाता है, लेकिन हम आपको सिखाएंगे with original security कि कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मैं कहने वाला हूँ, वर्ल्ड फर्स्ट वीडियो इन हिस्ट्री, ओरिजिनल सिक्योरिटी देख सकते हैं आप, विद ओरिजिनल IMEI। क्या बात है, थैंक यू, इसमें मिलन सर और बाकी लोगों के लिए तालियां बजा दीजिए। यही चीज है, और हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये अपना आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइफ में सबसे बड़ी बात दो चीजों को, आप किसी भी चीज को सीख रहे हैं ना, दो चीजों का हमेशा चीज अपने अंदर रखिए, पहला तो पॉजिटिव और दूसरा एक सही लैंग्वेज। अगर आप सही लैंग्वेज और पॉजिटिव रहेंगे ना लाइफ में, आप कुछ भी कर जाएंगे, किसी भी जिंदगी की रेस जीत जाएंगे। तो दोस्तों आज इन लोगों का आज आखिर दिन है, आज अभी फेयरवेल करेंगे, अब इसके बाद एक लाइव फेयरवेल वापस आएंगे। ये वीडियो एक वीडियो था, और इस वीडियो में हमने बताया कि प्रैक्टिकली हो रहा है, तो एक फेयरवेल वीडियो में आएंगे, फेयरवेल करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है, और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है, या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिल रहा है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखाना है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था,
आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम एक महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडियन अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली इसको, अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा दे रहे थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर लेना, मतलब हम बोले सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है, मतलब हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी अभी बोलते हाँ हमें बोलना है कहेंगे के लिए बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना, तो आप सर अंदर का सर्टिफाइड है और यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर आगे को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा कि उसके लिए बोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अभी उसका काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सके मतलब इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा
कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, मैकेनिक नहीं होता है जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute.